ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं सूरज हाशमी। मुंब्रा में फिर खुला एक रुपए का दवाखाना। इसके पहले भी मुंब्रा स्टेशन पर ये दवाखाना खुला था, लेकिन किसी कारण इसे बंद कर दिया गया था। अब फिर से एक रुपए वाला हॉस्पिटल खोला गया है, जिसके उद्घाटन आदित्य ठाकरे के हाथों हुई है। और सिर्फ मुंब्रा में ही नहीं, कई स्टेशनों पर इस तरह के हॉस्पिटल खोला गया है। और इस हॉस्पिटल को सेंट्रल गवर्नमेंट से लाने वाले कल्याण लोकसभा के खासदार श्रीकांत शिंदे हैं। लेकिन हम आज आम जनता को बता दें, इस हॉस्पिटल से काफ़ी लोग सोच में पड़े हुए हैं। एक रुपए में आखिरकार क्या क्या इलाज होंगे, यानी पेशेंट को किस तरह से इलाज किया जाएगा। दरअसल एक रुपए में सिर्फ डॉक्टरों की सलाह दिया जाएगा। इसी हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर से प्रहार टाइम्स ने बात की है। डॉक्टर ने क्या जानकारी दिया है, एक रुपए में किस तरह की पेशेंट को सुविधा दिया जाएगा और इसके आगे और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, सुनिए डॉक्टर आनंद दराड़े। डॉक्टर साहब, एक रुपए की जो है क्लिनिक खोली गई है, इसमें किस तरह के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? सिर्फ रेलवे वाले ही आ सकते हैं या फिर आम पब्लिक आ सकती है? क्या है पूरा इसका, आप बताइए। ये आम लोगों के लिए, आप रेलवे के हो इसलिए ऐसा नहीं है, ये सब लोगों के लिए, सिर्फ रेलवे के लोगों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए, सब लोग यहाँ पे आ सकते हैं। एक रुपये में जो आपने बाहर लगा हुआ है, एक रुपये में दवा मिलेगी या जांच किया जाएगा, क्या है इसकी पूरी हकीकत, आप बताइए। मतलब कि एक रुपये में क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है? ये एक रुपए में बस आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन, आप बाहर डॉक्टर का कंसल्टेशन करने जाओगे। काफ़ी कंफ्यूज है, एक रुपए में दवा मिलेगी, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, इसके बारे में आप खुलासा करिए। अगर आप बाहर जाओगे तो डॉक्टर का कंसल्टेशन 200 से 250 या 500 रुपए तक है। ये आपको यहाँ पे कंसल्टेशन डॉक्टर का जस्ट एक रुपया मिलेगा, और आपको जो दवा मिलेगी वो दवा मेडिकल से मिलेगी, उसमें आपको 10-20% जेनरिक मेडिसिन, मतलब जो दवा मिलेगी उसमें 10% डिस्काउंट होगा, 10% डिस्काउंट होगा, मतलब जब आप बाहर जो दवा लेने जाओगे ना, उससे कम रेट में आपको यहाँ पे दवा मिलेगी। यहाँ पे सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी और आपके जो खून की जांच है वो आपको 40% डिस्काउंट में मिलेगी। अगर आप CBC बाहर, एज ए एग्जाम्पल, CBC बाहर करने जाओगे तो आपको 250 से 300 रुपये में आपको वो मिलेगी बाहर करके, और यहाँ पे आप करोगे वो बस 100 रुपये में आपको मिलेगी। ये EMR पूरा 24 घंटा लोगों की सेवा के लिए खुला रहेगा। यहाँ पे मैं हूँ और मेरे साथ दूसरे डॉक्टर्स मतलब शिफ्ट पे रहेंगे, और मेरा स्टाफ में 2 नर्स होंगी, 2 फार्मासिस्ट होंगे। आपने सुना, डॉक्टर ने बताया क्या क्या इलाज होंगे और मेडिकल में किस तरह की छूट मिलेगी, वो भी आप सुनिए। डिस्काउंट माने जो ब्रांड आइटम जो रहते हैं, जैसे हम लोग इथिकल बोलते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो मेडिसिन पे नॉर्मली 10-12% हम लोग दे देंगे, और उसके जैसे जेनरिक्स करके दवाई आती है जो जैसे मोदी सरकार ने रखी है, वैसे हम लोग रखे जो ब्रांड कंपनीज रहते हैं, जैसा सिप्ला, इंटास, उनकी दवाई रहती है, तो उस पर हम लोग नॉर्मली डिस्काउंट है 10-40%, अलग दवाई अलग अलग 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, और कैंसर जैसे महंगे दवाइयों को 50% छूट दिया जाएगा। इस खबर को चलाने का मतलब यही है कि मुंब्रा के लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, एक रुपये लिखा है और अंदर चार्ज ज़्यादा लिया जाता है, इसलिए हमने डॉक्टर से भी बात की। डॉक्टर ने हर इलाज की अलग अलग चार्ज बताया है, लेकिन यहाँ पर कुछ परसेंट छूट भी है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम।